नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं। आज यानी 8 अप्रैल को अलवर के भिवाड़ी में 760 अभ्यर्थियों का फिजिकल हुआ और यह फिजिकल अलवर के RAC ग्राउंड में चल रहा है। आज यहाँ पर क्या क्या हुआ डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे रेड कलर के बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस जानकारी से रूबरू हो सके, क्योंकि हम यहाँ पर राजस्थान पुलिस जुड़ी हर एक अपडेट आपके लिए सबसे पहले लेकर आ रहे हैं, एकदम सटीक अपडेट लेकर आ रहे हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आज अलवर में क्या हुआ। तो यहाँ पर टोटल मिला के लगो का आपको पता है कि 760 अभ्यर्थियों का आज फिजिकल हुआ, जिसमें टोटल 4 बैच बनाए गए, जिसमें से 40 अभ्यर्थी के लगो एबसेंट थे और लगो 180 के 4 बैच बनाए गए। पहले बैच में 122 अभ्यर्थी पास हुए, दूसरे में मात्र 97, तीसरे में 115, चौथे में 105 के आसपास अभ्यर्थी पास हुए हैं। जो ये पहला बैच है वह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जा रहा है, जल्दी मॉर्निंग में 5:30-6 बजे तक स्टार्ट हो जा रहा है। उसके बाद दूसरे बैच का नंबर आ रहा है, लगातार दौड़ाया जा रहा है तथा साथ में पुलिस वाले लगातार आपको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, अब पास होने का प्रतिशत वही लगभग 50-55 के बीच के आसपास रह रहा है। यदि गर्ल्स की बात करें तो 55 लड़कियों को दौड़ाया गया, जिसमें से लगभग 37 लड़कियाँ पास हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आपके नंबर कम है लेकिन आप फिजिकल पास कर ले रहे हैं, तो मानिए जितने भी टॉपर बच्चे हैं या टॉपर अभ्यर्थी हैं वो तो फिजिकल में निकल जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको फिजिकल पे टाइम तैयारी करनी है, आपके जिनके अभी फिजिकल में टाइम है वो मेहनत कर लें, थोड़ा सा टाइम निकाल लें, तो आपका फिजिकल आसानी से निकल जाएगा। ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी है, आराम से आप दौड़ सकते हैं, आप अपना घड़ी मोबाइल ले जा सकते हैं, टाइमिंग आप उसके साथ अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप कुछ ग्लूकोज वगैरह पी लीजिएगा, क्योंकि धूप तेज़ है, दौड़ने में चक्कर आ सकते हैं, कुछ बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं, कुछ को पास के हॉस्पिटलों में भर्ती भी कराया गया है। गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो गर्ल्स जो हैं जो भी फिजिकल निकाल ले रही हैं उनका 99% तक सिलेक्शन कन्फर्म हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्ल्स फिजिकल नहीं निकाल पा रही हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, जिनका फिजिकल होना है वो फिजिकल पर पक्के से ध्यान दें, फिर कह रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट जिनके तैयार नहीं हैं वो ज़्यादा टेंशन ना लें, अपने फिजिकल पर ही ध्यान दें, डॉक्यूमेंट बाद में तैयार हो जाएंगे। अभी सिर्फ एक एफिडेविट लगा दें कि भाई हमारे पास नहीं है, हम आपको बाद में जमा करा देंगे, बाद में अपने डॉक्यूमेंट निकाल के आप जमा करा सकते हैं, तो इसलिए डॉक्यूमेंट की आप टेंशन ना लें। ठीक है, आराम से फिजिकल निकालिए, 90% अगर सिलेक्शन आपका हो जाएगा यदि आपने फिजिकल निकाल लिया है तो। और इस वजह से बता रहा हूँ कि जो 50-55% के बच्चे पास हो रहे हैं तो जो कट ऑफ है वो 2-3 नंबर ऊपर ही जाएगी, जो सबसे कम अभ्यर्थी जिसने नंबर प्राप्त करेंगे उससे 2-3 नंबर ऊपर ही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा ऊपर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस फिजिकल पर ध्यान दें और कुल मिलाकर देख लीजिए 760 अभ्यर्थी थे, पहले में 122 पास हुए, दूसरे में 97, तीसरे में 115, चौथे में 105। कोशिश करिएगा मॉर्निंग में जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि पहले बैच को फ़ायदा है, तीसरे लगाते जाते धूप हो जाती है, इसलिए ट्राई करिएगा कि पहले बैच में आपका फिजिकल हो जाए। इसके अलावा और भी कोई जानकारी मिलती है तो वो हम आप तक पहुँचा देंगे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।